Hello everyone, my name is Karan and today I am again back with some very important expressions. आज की हमारी पहली expression है घोड़े बेच कर सोना. I like to sleep like a log on Sunday. Next expression है हमारी वो व्यक्ति जिसको छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने का शौक होता है, जैसे कि शादी में आए हुए फूफा जी. ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है cry baby. थर्ड वो पर्सन है जो सारा दिन एक ही जगह बैठा रहता है और कोई काम नहीं करता है. ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है काउच पटेटो. नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी वो व्यक्ति जिसे किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जो किताबों को लेकर ऑब्सेस्ड है. ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है बुक वर्म. और लास्ट एक्सप्रेशन है आज के लिए वो है किसी की बुराई करना. किसी की बुराई करने को इंग्लिश में कहा जाता है बैड माउथ. बैड माउथिंग इज नॉट अ गुड हैबिट. बुराई करना अच्छी आदत नहीं है. तो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस. ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.